वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे 3 साल से 4 साल के बच्चों को हमें क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए और घर में उनकी पढ़ाई की शुरुआत हम कैसे करें। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे अब हमारी चीज़ों को पहचानने लगे हैं, कलर्स का नाम जानने लगे हैं, मोटा मोटी वो अल्फाबेट को पहचानने लगे हैं, नंबर्स को पहचानने लगे हैं। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उन्हें आगे कुछ चीज़ें सिखाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है बॉडी पार्ट्स के नेम। जी हाँ, बॉडी पार्ट्स के नेम हम उन्हें बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे दिस इज नोज, दिस इज ईयर, दिस इज फीट। तो नोज किस लिए यूज़ करते हैं? स्मेल के लिए। ईयर किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर लिसनिंग। माउथ इसलिए यूज़ करते हैं? फॉर ईटिंग फूड। तो इस तरह से आप बच्चों को यहाँ पे सिखा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आप सिखा सकते हैं वो आप सिखा सकते हैं उनको रेनबो कलर्स के नेम। जी हाँ, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरह से 7 कलर्स के नेम आप पिक्चर के हेल्प से बच्चों को जो रेनबो के कलर्स हैं वो बार बार बोल बोल के दिखा के याद करवा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें मंथ्स के नेम याद करवा सकते हैं। जी हाँ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से जो हमारे 12 महीने हैं उनके नेम भी आप बार बार बोल बोल के बच्चों को याद कराएं। इसके अलावा डेज ऑफ द वीक, वीक कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 के क्या नाम है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बच्चों को अभी सिखाएंगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आप बच्चों को सिखा सकती हैं वो आप सिखा सकती हैं फिंगर्स के नेम। जैसे इस फिंगर का क्या नाम है? थम। दिस इज इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर एंड दिस इज लिटिल फिंगर। तो 5 फिंगर के जो नेम है ये आप बच्चों को अब पिक्चर के हेल्प से बार बार बोल के दिखा के आप इस तरह से पूछ पूछ के याद करवा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को थोड़े बहुत आप सीजन्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम, बर्ड्स के नेम, एनिमल्स के नेम, ये भी चीज़ें पिक्चर के हेल्प से बार बार बोल बोल के दिखा दिखा के आप याद करवा सकती हैं। काउंटिंग जनरली 3 से 4 साल के बच्चे 1 to 20 आराम से कर लेते हैं, तो उनको आप 1 to 20 तक काउंटिंग सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप उनको ये भी सिखा, इसके अलावा एक अल्फ़ाबेट से डिफरेंट वर्ड सिखा सकते हैं। जैसे अभी तक हमारे बच्चे जान रहे थे ए फॉर एप्पल, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उनको डिफरेंट वर्ड्स भी सिखाएंगे। जैसे आपका हो गया ए फॉर एलिगेटर, ए फॉर एरो, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एंट। तो ये चीज़ें इस तरह से आप सिखा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट और बिग अल्फ़ाबेट यहाँ पर सिखाया जाता है, तो उन्हें पहचानना और मैच करना आप सिखा सकती हैं। जैसे यहाँ पे बिग अल्फ़ाबेट ए है तो उसका स्मॉल कौन सा है, यहाँ पे बी है तो बी का आपका स्मॉल बी कौन है, डी है तो डी का स्मॉल डी कौन है। तो ये आप बच्चों को इस तरह से बार बार बोल के दिखा के दिमाग में बैठा सकती हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप ये चीज़ें सिखा सकती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बच्चे यहाँ पे बी और डी में बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, बिकॉज ये मिरर इमेज है। तो इस तरह की जो सिमिलर इमेज होती है, जैसे आपका प, पी, 7, फिर आपका 5, 9, इसके डायरेक्शन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो उसे ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार टोकना, बोलना, समझाना। इस तरह से बच्चे इस चीज़ों को गड़बड़ी कम करेंगे। तो बी और डी का कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अलावा पी और प का कंफ्यूजन नॉर्मल है, एफ और 7 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये चीज़ें आप बच्चों को बार बार दिखा के बोल के ठीक करा सकती हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को अबाउट माईसेल्फ आप याद करवाएं। अबाउट माईसेल्फ यानी उनके बारे में, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट योर फादर डू, तो दीज काइंड ऑफ थिंग, वो चीज़ें भी बच्चों को आप बोल बोल के बार बार दोहरा दोहरा के याद कराएंगी। तो ये माईसेल्फ के बारे में हो गया, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा अपने नेशन के बारे में बताएंगे, जैसे हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो ये चीज़ें भी बच्चों को आप बार बार बोल के दोहरा के ध्यान में ला के याद करवाएंगी। तो मोटा मोटी जब हमारे बच्चे 3 से 4 साल के होते हैं तो उनको हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के अलावा जीके में ये चीज़ें सिखाते हैं, सोशल साइंस की चीज़ें सिखाते हैं,
प्लांट्स के बारे में सिखाते हैं, वाटर एनिमल्स के बारे में, तो डिफरेंट चीज़ें आप बच्चों को बोल बोल के, पिक्चर के हेल्प से बार बार दोहरा के सिखा सकती हैं और याद करवा सकती हैं। इसके अलावा आप बच्चों को फोनिक साउंड सिखाएं, फोनिक साउंड पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकती हैं। जैसे ए के लिए आप यू करते ए ए एप्पल, ब ब बॉल, क क कैट, ड ड डॉग, तो इस तरह से फोनिक साउंड के पोएम्स हैं, उसके हेल्प से बच्चों को आप याद करवा सकती हैं, बता सकती हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, आगे चल के जब बच्चे रीड करेंगे तो उन्हें बहुत आसानी होगी। तो ये मेरा टेक है कि बच्चों को आप क्या क्या चीज़ें सिखाएं बच्चों को घर पे 3 से 4 साल की एज में। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखते रहे मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।